हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास फाइव के स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मुहावरे। ये मुहावरे क्या है? तो आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई बच्चा कुछ बात बोलता है, शरारत में छिपी हुई बात होती है, इशारे में, संकेत के भाषा में, कुछ शब्द के माध्यम से बोल देते हैं और बच्चे हंसने लगते हैं, ठहाका देने लगते हैं, क्योंकि यह छिपे हुए अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा की खास विशेषता क्या है कि ये छिपे हुए अर्थ को विशेष अर्थ देता है। छिपे हुए शब्द में छिपे हुए अर्थ को विशेष अर्थ देता है। सामान्य से अलग विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। अब जैसे क्या है मुहावरा, क्या है कि सामान्य से अलग हटकर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। सामान्य से यह वाक्य को सुंदर बनाता है। लोग के सामने में जब आप अपने भाव को, अपने विचार को व्यक्त करते हैं और अगर आपकी भाषा में कहीं मुहावरा लिखा होता है या आप बोलने के क्रम में मुहावरे का उपयोग करते हैं, तो सामने वाले आपकी भाषा को समझ करके खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि आप भाषा के जानकार हैं, क्योंकि भाषा को व्यक्त करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपको मुहावरा का प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार आप किसी पूजा उत्सव में तैयार होकर के जाते हैं घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, ठीक उसी तरह से हिंदी को सुंदर बनाने के लिए जब हम कुछ शब्दों को अलग अलग ढंग से परोसते हैं तो वह सुंदर हो जाता है, अलंकृत हो जाता है और इस तरह से आपके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अभी जैसे हम देखिए, एक शब्द आपको हम अंगूठा दिखा देना, अंगूठा दिखाना, मान लिया अंगूठा दिखाना आपकी किताब में है। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हुआ कि आप वैसे उसको अपने हाथ का अंगूठा दिखा दिए, ये हो गया आपने अपने हाथ का अंगूठा उसका दिख, नहीं, इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या है? इसमें छिपा हुआ अर्थ है कि इसका छिपा हुआ अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना का छिपा हुआ अर्थ क्या है? इनकार करना। अब देखिए, शब्द है अंगूठा दिखाना और अर्थ आपको दिखता है इनकार करना। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंस लिखेंगे तो अर्थ आपका यह दिखेगा और शब्द का आप यह प्रयोग करेंगे तो वह सुंदर हो जाता है, अलग हट जाता है थोड़ा सा वह। इस तरह से आपकी किताब में बहुत सारे, जैसे पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का मतलब क्या, महिला घर में बैठ करके पापड़ बेल रही है? नहीं, कठोर परिश्रम करना। अब जैसे कहते हैं आग बबूला होना, आग बबूला होना का मतलब क्या है, पानी में आग का बबूला होना? नहीं, बहुत गुस्सा होना। इस तरह से आप अपने किताब से, व्याकरण में से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी भाषा सुंदर हो और सटीक हो।